श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे वल्लों संत बाबा डॉक्टर ईश्वर सिंह जी सेवादार बुंगा मस्तुआना तख्त श्री दमदमा साहिब दी रहनमई हेठ चलाई जा रही अपना मूल पहचान लहर तहत नशे दी लपेट दे विच आ के कुराहे पै चुके नौजवानों नूं नशे दी दलदल चो बचा के सिखी दे नाल जोड़न दे लई पिंड पूड़े बड़बर उपली सेखा अते संघेड़ा दे विच समागम कराए गए। समागमां नूं संबोधन करदिआं संत डॉक्टर ईश्वर सिंह जी ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे वल्लों नौजवान बच्चों नूं नशे तो बचा के गुरसिखी दे नाल जोड़न दे लई जो यह मुहिम चलाई गई है वह बेहद शलाघायोग है। उन्होंने संगत दे नाल विचार सांझे करदिआं दस्सिआ कि सरदार गोबिंद सिंह संधु सिख कौम के महान शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी की वंश विचों हन। उन्होंने खुशी है कि वह भी अपने पूर्वजां दी तरह संगत सेवा दे विच विश्वास रखते हैं अते नौजवान बच्चों नू नशे तो बचा के गुरसिखी दे नाल जोड़न दा शलाघायोग काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल 2-4 दिन होए ने हजे तख्त दमदमा साहब नतमस्तक होण नू। तख्त साहब ते जदों आपां पहुंचे उस तों पहला पार्टी दे सीनियर जथेदार साहबाना ने पिछे मस्तुआने बूंगिया चे दर्शन करवाए। उत्थे सेवा संभाल बाबा जी कोले हैगी सी ते उत्थे दर्शन होए बाबा ईश्वर सिंह जी दे। बाबा ईश्वर सिंह जी मैनू नहीं जानते बिल्कुल, मैं पहली बारी जिंदगी चे इन्हां नू मिलिया सी ते मैं इन्हां नू नहीं जानता सी। मैनू नहीं पता सीगा कि मैं तख्त साहब नतमस्तक होण नू चलिया ते उत्थे बाबा ईश्वर सिंह जी नू मैनू मिलन दा मौका मिलना। मेरे मन च कुछ विचार सीगे ते वो जिहड़े विचार सी मैं बाबा ईश्वर सिंह जी नाल प्रगट कीते सी। वो किवें आए विचार, क्योंकि असी जिवें मेरे तो पहला एडवोकेट जगमीत सिंह जी ने गल कीती है कि पिछले 4-5 सालों तो बतौर जथेबंधक सकत्तर मैं विचर रहा ते असी पार्टी की जथेबंदी मजबूत करन नूं तुरे हुए सी। जदों असी पिंडां वल परख के देखिया मैनूं इह समझ आई कि गुरसिखी तां बिल्कुल खत्म हो रही है। गुरसिखी आने वाले 8-10 सालों च रहनी नहीं हैगी। नशिया का जिहड़ा दरिया हैगा वह चौड़ा हुंदा जा रहा ते नाल सानू सारिआं नूं साडी नवी पनीरी नूं एक पूरी पीढ़ी नूं नाल लै चल रहा। नशिआं नाल संबंधित जिहड़ियां मौतां हो रही हैं, जिहड़ी नसलकुशी हो रही है उस दे बारे तुसीं सारे जाणो हो। मेरियां इत्थे मतावां हाजिर हैं, साढ़े पिंड दियां बीबियां हाजिर है। लौंगोवाल च एक मोर्चा लग्या सीगा हुणे 2 साल पहला, 1.5 साल पहला, उत्थे थोड़े वर्गियां मावां ने सानू सद्या सीगा बीबी जी ते सानू कहिंदियां कि साढ़े आप दे मुंडे जिहड़े असी जम्मे हैं वो साढ़े गल ते छुरा रख के कहिंदे आ कि जिन्ने क रुपये तेरे कोल हैगे आ माता फड़ा दे, नहीं तां तैनू वट देना। ये हालात ने अज पंजाब दे, जिन्नू पीरां फकीरां दी धरती कहा जांदा सी। अज इत्थे साडे ग्रंथी सिंघां नू सद्दन दा की मकसद है तुहानू पता? जिहड़े हालात ग्रंथी सिंघां दे हैगे आ उह तों माड़े हालात कदी सिख कौम सोच भी नहीं सकदी सीगी। पता नहीं किवें सेवा निभा रहे हैं, ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ
मोहतवार परिवारां दी साडियां बीबियां हैगियां, साडियां भैणां मतावां हैगियां, इत्थे सुखमनी सेवा सोसाइटी दियां साडियां मतावां हैगियां, इत्थे पिंड दे जागदी जमीरां वाले साडे बजुर्ग भी हैगे ते नौजवान वीर भी हैगे। मैं थोनों सारे नूं हाथ जोड़ के बेनती करदा, इत्थे भैणी महाराज तों साडे जथेदार जी भी पहुंचे आ, आ काम असीं आप ते पिंड भी करना है। वापस जाके आई लंबे ना पै जो कि भाई कोई आऊगा साडे लई करके जाऊगा, किसी ने नहीं करना, करना सानू आप पैणा। कल मैं बाबा जी नाल जदों फोन ते गल कीती, मैनू कहिंदे गोविंद सिंह मैं ढिल्ला होया पिया, मैनू टाइफॉइड निकल आया मेरे टेस्ट 'च। तुसीं देखो आप गड्डी चला के आप इत्थे विराजमान होए। मैं बेनती कीती, मैं कहा बाबा जी जिहड़ी असीं तैयारी कर रहे हैं फिर वो मुकम्मल करन वास्ते बहुत औखा हो जूगा, मैं शहीद नहीं हैगा, वो भी इत्थे विराजमान हैगे है, पर जे असीं आपदे पिंड 'च रह के आपकी जिम्मेवारी नहीं निभा सकते तो साढ़े तो बड़े, बुरा ना मन्यो, साढ़े तो बड़े मूर्ख मेरे ख्याल संसार ते जम्मे नहीं होंगे। जे अज भी तुसीं आपते नवी पनीरी वास्ते आपकी अगली पीढ़ी वास्ते आपके बच्चों वास्ते कुछ नहीं करना, फिर साढ़े ते जिन्हां नूं आपां गालां कढ़दे हैं सरकारां च बैठे लोगों से कोई फर्क नहीं हैगा। बीबी जी मैं थोनों सारे नूं बेनती करदा, थोड़े ग्रंथी सिंह साहबानां नूं बेनती करदा, जिहड़ी लोड़ होगी असी सारे ने इंतजाम कर लिया, वो असी पूरी करांगे। तुसी सारे अज उपराला करना कि केड़े गुरु घर च पिंड बड़बर विखे डेली एक घंटे की संथ्या होनी है गुरमत दी ते नितनेम दी, शस्त्र विद्या भी शुरू होनी है। वो जिहड़ी संथ्या है उस संथ्या च इस मुहिम च मूहरे होके तुसी सारे ने तुरना है। पिंड दियां बीबियां ने थोड़े बच्चे है, तुसी जिन्ने मर्जी गुरसिख परिवारां चों तुसी आउंदे होवो थोड़े बच्चे थोड़े वर्गे नहीं होणगे, कोई गारंटी नहीं हैगी। थोड़े बच्चों एको एक चीज़ बचा सकती है, वो उन्हां दी आप दी मानसिक ताकत बचा सकती है, तो वह मानसिक ताकत नूं हासिल करन वास्ते सानू कुछ करन दी लोड़ है, तो उस मकसद लई आपां इकत्तर होए आ अज। वो की चीज़ है? वो गुरमत दी नितनेम दी संथ्या है विद्या, वो गुरु महाराज सच्चे पातशाह दी ताकत है, जिहड़ी ताकत थोड़े बच्चों के दिमागों च बढ़ूगी, जिन्हां ने थोड़े बच्चों नूं अगे समाज की बुराइयां तो बचाउणा है। जे वो बचणगे फिर जाके समाज सिरजा जाणा, फिर जाके गुरसिक्खी सिरजी जाऊगी, नहीं तो जिहड़े चंद तुसीं गुरसिख परिवार रह गए हो दूरों दूरों इत्थों फिरोजपुर के जथेदार साहबानां नूं क्यों आना पिया, किसी कारण करके आना पिया, जे इत्थे वो चीज़ सीगी तो फिर लोड़ की पई पैनी सी। सो मेरी थोनों सारयां नूं हाथ जोड़ के बेनती है कि तुसी अज इस इकत्रता तो उठना नहीं हैगा, इत्थे हुण ग्रंथी सिंह साहबान थोड़े पिंड दे विचार करनगे, टीम नियुक्त करनगे कि किहड़ी गली च किहड़े मोहल्ले च किन्ना ने आपकी जिम्मेवारी निभाउणी है। असी अज इत्थे तय कर लिए कि किस समय तो किस समय तक डेली एक घंटे की संथ्या चलूगी, उहदा सारा प्रबंध असी करांगे। वो जिहड़ा भी प्रबंध है ग्रंथी सिंह साहबान बाबा जी ईश्वर सिंह जी नाल डिस्कस करनगे। बाबा ईश्वर सिंह जी इस मुहिम च साडा साथ दे रहे, मूरे मूरे हो के ये मुहिम नूं आपां 100 गुरु घरां च इस जिले च लैके जाणा है, एक एक गुरु घर च आपां 250 बच्चा भर्ती करना है, 25,000 बच्चा आपां गुरमत ते नितनेमी बनाउणा है, 25,000। जे असीं उहनां नूं इस पासे लै गए उहनां नूं मानसिक ताकत अचीव होणी है। मैं तुहानूं इक छोटा उदाहरण दिंदा, जदों जवानी पुटदी है असीं सारे समाज च रहे हैं, फर्ज़ करो थिंड साहब का जन्म दिहाड़ा आ बैठे ने इत्थे थिंड साहब, तो असी सारे मित्र कत्तर हो गए इन्हां दे जन्मदिन ते, असी कहता कि भाई अज तां असी सारयां ने शराब पीणी है ते असी थिंड साहब नूं वध शराब पिउणी है इन्हां दा जन्मदिन। साडे विच साडे मित्रां दे सर्कल च दो इहो जिहे सिंघ होणगे, दो इहो जिहे मुंडे होणगे जिहड़े कहणगे
कि भाई असी थोड़े नाल पूरी रात मौज करांगे, असी नचांगे भी, असी हसांगे, असी थोड़े नाल गाने गावांगे, पर सानू शराब की लोड़ नहीं पैनी। वो दो नौजवान कहणगे जिहड़े मानसिक तौर पर गुरु नाल जुड़ चुके होंगे। सानू ऐसी जगह पर पाता कि आने वाले समय में साड़ी होंद खत्म हो जानी। आप बहुत ही महाराज ने साडे विच एक हीरा खड़ा किया है। ऐ गुरसिखो, ये कौन बोल रहा? मैं तो ये देखदा कि बाबा दीप सिंह जी का खून बोलता है। आखो सतनाम, श्री वाहिगुरु। ये अंश बोल रही है, तुहाडी सेवा विच आ रहे ने, इन्हां दी आवाज़ सुनो। असी एक प्रोग्राम बनाया है कि पहला तो बाणी नाल बंदियां नूं जोड़ो, बाणी दी होंद दस दिओ कि रब बाहर नहीं भालींदा है, थोड़े विच वसदा है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच बैठ ना सके, बैठन जोकरा ना रहे। ऑल इंडिया दे अज जिन्ने साडे रिजल्ट आउंदे ने, IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, विरले एक दो टका कोई बंदा अगे आ गया आ गया, नहीं तो बाकी सारे साउथ इंडियंस दूजे नॉन सिक्स, जेडे सिख साडे ऑफिसर्स सीगे उन्होंने दाड़ियां कट के मना ले ता कि साड़ी तरक्की ना कितने रुक जाए। ऐ गुरसिखो, गुरसिखो, थानू पता है इस धरती नूं रब दा रब दी धरती कहिंदे सी। महाराज ने अमृत छका के सारिया जातियां नूं इक कीता, ते जिथे अमृत छकाया सी उस जगह नूं की कहा महाराज ने? केस गढ़ साहिब। की कहा? केस गढ़। अज साडे बजुर्गों दे कोल केस रह गए, साडे दोते ते पोते दाड़ियां मुना के तुर रहे ने। सानू ऐसी जगह पर पाता कि आने वाले समय में साड़ी होंद खत्म हो जानी। आप बहुत ही महाराज ने साडे विच एक हीरा खड़ा किया है। ऐ गुरसिखो, ये कौन बोल रहा? मैं तो ये देखदा कि बाबा दीप सिंह जी का खून बोलता है। आखो सतनाम, श्री वाहिगुरु। ये अंश बोल रही है, तुहाडी सेवा विच आ रहे ने, इन्हां दी आवाज़ सुनो। असी एक प्रोग्राम बनाया है कि पहला तो बाणी नाल बंदियां नूं जोड़ो, बाणी दी होंद दस दिओ कि रब बाहर नहीं भालींदा है, थोड़े विच वसदा है। बाहर मूल ना खोजिए, घर माहे बिताता, थोड़े घर विच रब वसदा है। याद रखना, रब नूं खोजन वास्ते बाहर नहीं जाना, किसी देवी देवता दी नहीं पूजा करनी। तुहानूं पता होना चाहिए, इस देही को सिमरै देव, इस देही को सिमरै देव। देवते सिमरते ने शरीर नूं कि महाराज सानू एक कर्म भूमि दिओ, असी इस शरीरां विच आके अपने पिछड़े औगण बखशाइए, तेरे नाल रण जीए। नानक लीन भयो गोबिंद सिंह, जो पानी संग पानी, जिवें पानी पानी च रलदा है ना, आए बंदे ने अपने विच रब नाल रलना है। आखो सतना, तुसीं रब दी मूरत हो, रब थोथों दूर नहीं है। तू ना ही प्रभ दूर, तू ना ही प्रभ दूर, जाने सब तू है, गुरमुख वेख दूर अंतर भी तू है। जे मेरे विच है, मेरे मालिक तू आप वस रहा। ये बहुत अच्छी मुहिम है। असी दसो, सरकारां नूं भी चंगा लगना चाहिए कि यह सब नाल प्यार करन दे उपदेश देंदे ने। ध्यान रखना, सरकारां नूं भी पता लगे कि यह नशे के खिलाफ ने, सरकारां नूं भी पता लगे ये साढ़े बहुत अच्छी वंश ने, ये रब की मूरत ने, ये किसी दे विच जात पात का झगड़ा नहीं खड़ा करते, ये सब जातियां नाल प्यार करते ने। महाराज कहते ने, भाई सबको मीत हम अपन कीना, हम सबना के साजन। सो अज इतने शब्द प्रवान करियो। दास बेनती करता है कि थोड़े पिंडां दे विच एक मुहिम चलाई है, बच्चियां नूं गुरबाणी नाल जोड़ो, बच्चियां नूं संथिया दिओ, बच्चियां नूं जिस वेले ये गुरबाणी का पता लगेगा, तुहाडे रब का पता लगेगा। बच्चियां नूं गुरबाणी का पता लगेगा, वह बाणी रब वांगू बोलन लगनगे। ध्यान रखना, जाग सलोनड़ीए बोलै गुरबाणी राम। असीं गुरबाणी जिहड़े सुणांगे पढ़ांगे फिर बोलन लगांगे, रब वांगू बोलना है, तुसीं रब वांगू रहना है, हरेक नाल प्यार करना है, हरेक नाल जीवन विच रहना सीखना ते सिखाउणा है। ऐसा बंदा कदे डोलदा नहीं है। काहे मन तू डोलता, तू तो राखेगा
सिरजनहार तेनों रब रखने वाला है। तुम रब के घर वसते हो, रब नाल रहना सीखो। बस ये थानू मौका देने वास्ते तुहाडे पिंड जा रहे हैं। गुरु महाराज बख्शिश करन साडे हिरदे विच कोमलता आवे, कठोर दिल साडा खत्म होवे, असी सब नाल प्यार कर सकीए। ये डरदे ने जे कट्ठे हो गए तो सानू वोटां नहीं किसी ने पाउणियां। इन्हां दी वोटां दा राज है, साडा वोटां दा राज नहीं है। साडा इह है कि तुसी रब वांगू हो जाओ। तुसी आपा थोड़ा मन कहेगा कि असी वोट किनू पाउणी है। ध्यान रखो। सो अज इतना ख्याल रखियो। थोड़ा धन्यवाद सारे नगर निवासियों का, जिन्हें भी मेरी भैन ने, जिन्हें भी मेरे बुजुर्गवार बैठे ने, वीर बैठे ने, सब का कोटान कोट शुक्र है। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असीं बरनाले की धरती से पहुंचे हाँ, वह धरती जिन्हों संघर्षी अणखीले लोगों की धरती कही जाती है। जदों भी कोई अंदोलन उठा, जदों भी कोई लहर उठी है, वड्डे इकट्ठ होए, इतिहासिक इकट्ठ होए, चाहे पंथक इकट्ठ ने, चाहे किसानी दे इकट्ठ ने, अंदोलन खड़े होए है, किसानां दी गल होई है, मजदूरां दी गल होई है, चाहे जदों भी मनुखी अधिकारां दे लई, साडे हक्कां हकूकां दे लई लहरां चलियां, तां तुसीं बरनाले दे लोकां ने हमेशा आगू बन के उस दे विच अपनी भूमिका निभाई है। तुसीं बरनाले दे लोक ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਲਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣੇ ਆ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਵੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ। ਪਰ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ।
उस तो बाद नशे का मुद्दा दिन ब दिन नशा वध रहा, नशा घट नहीं रहा। जो सरकारां ने वादे कीते सी, दावे कीते सी, उन्हां ते सरकारां खरियां नहीं उतरियां। बेरोजगारी अज भी दिन ब दिन वध रही है। इन्हां सारे मुद्दों का एको ही हल है कि जे असीं खेतरी पार्टियां नूं अगे लैके आईए। देखो ना तो असीं तुहानूं डरा धमका के वोट लेनी है, ना असीं पैसे ते शराब नाल वोट लेनी है। असीं तां तुहानूं सिर्फ सारयां नूं हथ जोड़ के अपील करदे हां कि इस बार तुसी साडा साथ जरूर दिओ जी। गोबिंद सिंह जी तुहाडे बरनाले हल्के तो इलैक्शन लड़ रहे ने, इन्हां दा चोन निशान बाल्टी है जी। सो इन्हां दा साथ दिओ ताकि तुहाडे बरनाले हल्के दे जो भी मसले ने, जो भी मुद्दे ने, ये हर वक्त तुहाडे नाल खड़े रहणगे। सुख दुख दे विच खड़न वाले व्यक्ति ने। सो ये जिहड़ी कंपेन चल रही है, जिहड़ा प्रचार चल रहा है, वोटां दा इक दौर चल रहा है, हर एक व्यक्ति जी इस नूं आपदा समझ के जरूर गोबिंद सिंह संधू जी का साथ दिओ। अपने दोस्तों नूं, रिश्तेदारों नूं भी जरूर कहो। खास करके मैं मेरिया बीबिया नूं अपील करदी हां कि साडे कोल एक मौका है जी, अपनी कौम के प्रति जागरूक होण दा, साडी कौम के जो मुद्दे ने उन्हां बारे गलबात करन दा। सो सानूं अजिहे नौजवान आगूआं की लोड़ है जो पंथ के प्रति, साडी कौम के प्रति सुहिरद होण जी। सो इन्हें शब्दों नाल अपील करदी हां कि तुसीं सारे जने जरूर गोबिंद सिंह संधू जी का साथ दिओ ते खीर ते गज के फतेह की सांझ पाईए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।